नमस्कार, मैं हूं रसिका पांडे और आप देख रहे हैं खबर विस्तार से। जहां मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ ही करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णु देवसाई ने रिमोट बटन दबाकर राज्य स्तर से मितानिन प्रोत्साहन राशि का सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया है और सीधे एक क्लिक में 72 लाख से अधिक मितानिनों के खाते में प्रोत्साहन राशि पहुंचा दी गई है, यानी ट्रांसफर कर दी गई है। वही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और डेप्यूटी सीएम अरुण साव ने मितानिनों को प्रदेश और स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी बताया है और हर माह मितानिनों के खाते में पैसा ट्रांसफर का आश्वासन देते हुए मितानिन बहनों को शुभकामनाएं भी दी हैं। वही मुख्यमंत्री विष्णु देवसाय ने भी प्रदेश भर में कार्यक्रम में पहुंचे मितानिनों को संबोधित करते हुए मितानिनों को सरकार का अभिन्न अंग करार देते हुए कोरोना काल में किए गए मितानिनों के काम की सराहना की और कहा कि नवा सौगात के माध्यम से मितानिनों के खाते में 90,08,84,020 रुपए ट्रांसफर किए गए। और इस दौरान कार्यक्रम में मंत्री केदार कश्यप भी उपस्थित रहे। धरसेवा विधायक अनुज शर्मा, अवनपुर विधायक इंद्र कुमार साहू और आरंग विधायक गुरु खुशवंत साहिब भी मौजूद थे। वही खबरों में बढ़ेंगे आगे। आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज का 1 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने करके उन्होंने कहा कि राज्य की बिगड़ी कानून व्यवस्था से प्रदेश के सभी नागरिक परेशान हैं। वही बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, आज सरकार के राज्य में महिलाओं के प्रति अपराध में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। नारायणपुर में बच्चों से छेड़खानी हो रही है। कहने को तो प्रदेश का मुखिया आदिवासी है लेकिन उन्हें सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं। साथ ही बस्तर में 90 आदिवासियों को जेल में बंद करने का आरोप लगाया। कहा कि कांग्रेस इन सभी विषयों को लेकर 24 जुलाई को एक बड़ा प्रदर्शन करते हुए विधानसभा घेराव करेगी। और साथ ही प्रदेश के गृह मंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा, विजय शर्मा जब से गृह मंत्री बने हैं तब से कवर्धा जिले में सबसे ज्यादा घटनाएं घटित हुई हैं। वहीं अनुभवी गृह मंत्री अपने जिले में निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, प्रदेश को कैसे कंट्रोल करेंगे। राज्य की बिगड़ चुकी कानून व्यवस्था से प्रदेश का हर नागरिक परेशान है। साय सरकार के राज्य में महिलाओं के प्रति अपराधों में बेतहाशा बढ़ोतरी हो चुकी है। 6 माह में राज्य में 300 से अधिक बलात्कार, 80 सामूहिक बलात्कार, 200 से अधिक हत्याएं, चाकूबाजी, लूट, डकैती, चेन स्नेचिंग की अनगिनत घटनाएं हो चुकी है। और इस बीच बालोद से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पंचायत सचिव के खिलाफ ग्रामीणों ने जमकर आक्रोश दिखाया है। सचिव हटाने की मांग पर अड़े हुए हैं और सामुदायिक भवन निर्माण कर विरोध कर रहे हैं। सामाजिक जमीन पर सामुदायिक भवन निर्माण का आरोप लगा रहे हैं। सचिव की कार्यप्रणाली पर भी ग्रामीण नाराज नजर आ रहे। एक पक्षी सहयोग करने का पंचायत सचिव पर आरोप लगा। दर्जन महिला पुरुष पहुंचे हुए डोडी जनपद कार्यालय और प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे। तस्वीर देख लीजिए बालोद की। रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां रायपुर में पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। होटल पूनम में जुआ खेलते एक दर्जन जुआरी गिरफ्तार किए गए हैं। जुआरियों के कब्जे से नकदी रकम 4,20,000 रुपए जब्त किए गए हैं। थाना मौदापारा क्षेत्र अंतर्गत पूनम होटल में जुआ खेलते 12 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया है। जुआरियों के कब्जे से नकदी रकम, देखिए कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, 4,20,000 रुपए जब्त किए गए। ताशपत्ती भी जब्त कर ली गई है। जुआरियों के विरुद्ध थाना मौदापारा थाने में अपराध भी पंजीकृत कर दिया गया है। चले खबरों में बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे राजनांदगांव की। राजनांदगांव में 12 जुलाई 2009 मदनवाड़ा में पुलिस पार्टी पर बड़ा नक्सली हमला हुआ था। तो देखिए, जवान मदनवाड़ा थाने में हमले का जवाब देने राजनांदगांव तत्कालीन एसपी वीके चौबे के नेतृत्व में निकले थे। मदनवाड़ा जाते समय कोरकोट्टी के पास नक्सल हमले में एसपी विनोद चौबे सहित 29 जवान शहीद हो गए थे। भारत के इतिहास में पहली बार कोई एसपी नक्सली हमले में शहीद हुआ था। 12 जुलाई 2009 के समय के एसपी वीके चौबे मुठभेड़ में शहीद हो गए थे। 12 जुलाई 2008 मुठभेड़ के
शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है। आज पंद्रहवीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है। आज शहीद वीके चौबे सहित 29 जवानों की मूर्ति पर मल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी गई है। मदनवाड़ा बरसी के दिन शहीद वीके चौबे की धर्मपत्नी दुर्ग रेंज के IG रामगोपाल गर्ग और SP मोहित गर्ग उपस्थित थे। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। पुरकुट्टी में लगभग आज से 15 साल पहले एक घटना हुआ था जहां नक्सलियों द्वारा तत्कालीन राजनांदगांव SP विनोद चौबे शहीद हो गए थे, वहीं 29 जवान शहीद हो गए थे। इनको हम नमन करने आए हैं। जहां पे ये शहीद जवानों को आज श्रद्धांजलि दी गई है, जहां पे सारे पुलिस के परिवार उपस्थित थे, जहाँ पे शहीद परिवारों को सम्मान दिया जाता है, जिनके कारण आज देश सुरक्षित है। विस्तार शहीदों के मेले में हर लगेंगे बरस मेले। आज 15 साल लगभग हो गया है चौबे जी वहाँ से शहीद हुए। हमारे साथ है आज राजनांदगांव SP, जिससे बात करेंगे कि किस तरह के नक्सली मामले में एक्शन लिया जा रहा है। और 12 जुलाई 2009 में मदनवाड़ा में तत्कालीन राजनांदगांव जिला के अंतर्गत एक नक्सल मुठभेड़ हुई थी, जिसमें नक्सली हमले में 29 पुलिस जवान और अधिकारी शहीद हुए थे, जिसमें तत्कालीन पुलिस अधीक्षक विनोद चौबे जी भी वीरगति को प्राप्त हुए थे। उस साल से हर साल 12 जुलाई को राजनांदगांव पुलिस लाइन में श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा जाता है। सर, नक्सली लगातार अब राजनांदगांव में कुछ दिनों से कमी हुआ है, लेकिन मुख्य धारा में जोड़ने के लिए शासन की योजना है और पुलिस की योजना है, किस तरह काम कर रही है पुलिस? निश्चित तौर पे नक्सल उन्मूलन अभियान को लेके, चाहे वो ऑपरेशंस हो, चाहे वो सरेंडर पॉलिसी हो, चाहे वो नक्सल विक्टिम्स को लेके हो, सभी लोगों के लिए अलग अलग पॉलिसी शासन के द्वारा बनाई गई है। सबका क्रियान्वयन भी हो रहा है और पिछले 15 साल में बहुत सिक्योरिटी फोर्सेस ने एरिया गेन किया है। अभी हर जगह पर शासन की सभी पॉलिसी, सभी सुविधाएं, सभी स्कीम्स लोगों तक पहुंच रही हैं। तो ये थे हमारे राजनांदगांव SP। लगातार नक्सली उल्लंघन में पुलिस काम कर रही है। विस्तार न्यूज के लिए मनोज सिंह, राजनांदगांव से। जगदलपुर में दोहरे मर्डर कांड पर पुलिस ने 24 घंटे के अंदर गुत्थी सुलझा ली है। बस्तर SP शलभ सिन्हा ने दोहरे मर्डर कांड में खुलासा करते हुए बताया कि छोटा बेटा ही मां और बड़े भाई का कातिल है। मां गायत्री गुप्ता और बड़े भाई नीलेश गुप्ता की हत्या छोटे भाई नितेश गुप्ता ने की थी। बुधवार गुरुवार की दरमियानी रात शहर के अनुपमा चौक इलाके में यह हत्याकांड हुआ था। पुलिस के मुताबिक नितेश गुप्ता बार बार अपने बयान बदल रहा था। दरअसल 10 तारीख की रात दोनों मृतक पारिवारिक शादी में गए हुए थे। हत्यारा नितेश अपने दोस्तों के साथ घर के बाहर था और देर रात सभी लोग वापस घर लौटे। रात में करीब 2:30 बजे सिगरेट पीने नितेश बाहर निकला हुआ था और जिस पर बड़े भाई से विवाद हो गया था। देर रात विवाद हुआ, जिसके बाद दोनों भाइयों के बीच में हाथापाई हुई, जिसके बाद घर पर ही रखे बर्तनों से हमला कर भाई को मौत के घाट उतार दिया, पैजामे के नाड़े से गला घोटकर मां की हत्या की और इसके बाद पुलिस को गुमराह करने खुद अपने हाथ पैर बांध कर ही पेड़ पर रहा और पड़ा रहा। साथ ही देखिए, बता दें कि वैसे भी बड़े भाई से पिछले कुछ महीने से विवाद चल रहा था, दोनों भाइयों की शादी नहीं हुई थी और इसको लेकर छोटा भाई नाराज था, क्योंकि बड़े भाई की शादी नहीं होने के चलते छोटे भाई की भी शादी नहीं हो पा रही थी और मेन रोड में स्थित प्रॉपर्टी बेचने को लेकर भी विवाद इसके कारण बढ़ता जा रहा था। तो चलिए खबरों में बढ़ते आगे। छत्तीसगढ़ के CM विष्णुदेव साय की कैबिनेट कल अयोध्या जाने वाली है और कैबिनेट के राम मंदिर दर्शन को लेकर केदार कश्यप का बयान भी सामने आ चुका है। उन्होंने कहा है कि अभी पूरा शेड्यूल तय नहीं हुआ है, सभी मंत्रिमंडल का वहां जाने का तय हुआ है, लेकिन फिलहाल समय क्या रहेगा ये तय करना बाकी है। अभी पूरा शेड्यूल तय नहीं हुआ है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि सभी मंत्रिमंडल का जाने का ऐसा तय हो रहा है और समय क्या रहेगा और कितने समय निकलना होगा ये थोड़ा सा अभी तय करके ही मैं कुछ बता पाएंगे।
चलिए खबरों में बढ़ते आगे, पेंड्रा की बात कर लेते हैं। पेंड्रा मरवाही जिले के मरवाही थाना क्षेत्र के कुम्हारी गांव में 2 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया, जहां पर आरोपियों ने बेटे के को रेप के आरोप में बचाने के नाम पर एक पिता से 2 लाख रुपए की ठगी की घटना को अंजाम दिया। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कर लिया। पुलिस ने बताया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मरवाही में माली के पद पर पदस्थ अवधेश भट्ट से 80,000 और 20,000 रुपया 2 बार में ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। इसके बाद फोन करने वाले टीआई के नाम पर और 2-3 किश्तों में 2 लाख रुपए ऐंठ लिए गए। वहीं ठगी के एहसास होने पर मरवाही थाने में ठगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। घटना के बाद पुलिस लोगों से अपील करते हुए कह रही है, लोगों के खाते में पैसा ट्रांसफर नहीं करने की अपील पुलिस करती हुई नजर आई और आरोपियों की तलाश में भी पुलिस जुटी हुई है। तो देखिए, एक तरफ शासन की ओर से राजस्व मामलों को निपटाने के लिए शिविर लगाए जा रहे हैं, तो दूसरी ओर पटवारी संघ अपनी 32 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठा हुआ है और इसकी वजह से आम आदमी आय जाति निवास नामांतरण सहित अन्य कार्यों के लिए परेशान तो हो ही रहा है। बता दें कि 5,000 पटवारी हड़ताल पर है और इनमें से ऑनलाइन ऐप भुइया में गड़बड़ी, संसाधनों की कमी समेत 32 सूत्री मांगे हैं, जिसको लेकर पटवारी आंदोलित है। वहीं इसके अलावा प्रदेश के नायब तहसीलदार, तहसीलदारों ने भी हड़ताल पर चले गए हैं और ये सभी महासमुंद के झलप में कोर्ट रूम में ही नायब तहसीलदार पर हमले से आक्रोशित हैं और साथ ही ये सभी अपने 7 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। वही बात कर लेते हैं एमसीबी जिला के अंतर्गत आने वाले काले हीरे की नगरी कहे जाने वाले चिरमिरी ओपन कास्ट माइंस बरतुंगा क्षेत्र के आगमन के लिए सड़क ही नहीं है, लोग कीचड़ में चलने के लिए मजबूर हैं। आप समझ सकते हैं जिसका कारण सिर्फ एक है, चिरमिरी एसईसीएल प्रबंधन की मनमानी तरीके से कोयले का उत्खनन किया जाता है। आज की स्थिति ये है कि चिरमिरी क्षेत्र के बरतुंगा जाने के लिए सड़क ही नहीं है। जिला प्रशासन के साथ चुने गए जनप्रतिनिधि भी लोगों को हो रही समस्या के बारे में कोई ठोस प्रयास नहीं किया जा रहा है। आवागमन के लिए लोगों को कच्ची और कीचड़ भरी सड़कों पर चलने के लिए लोग मजबूर नजर आ रहे हैं। तो बात कर लेते हैं, मध्य प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में एक बयान दिया है। कौन सा बयान दिया आपको बता देती हूँ, जिसमें उन्होंने कहा है कि राजधानी भोपाल में बहुत सुंदरता है, हर तरफ झील और तालाब है, यहाँ जो एक बार आकर रहता है वो यही का हो जाता है। यहाँ जो भी जल संरचना है उन्हें साफ और स्वच्छ रखना हमारी जिम्मेदारी है। उसी कड़ी में आज एक स्कूली बच्ची के द्वारा एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया है, जिसके चलते इस तालाब का पानी साफ होगा, समाज के बाकी लोगों को भी आगे आने का मौका मिलेगा। सभी जल संरचनाओं को स्वच्छ बनाए रखें और जब जल संरक्षण स्वच्छ रहेगा तो मनुष्य का जीवन भी स्वस्थ रहेगा। हमारी इस झील के शुद्धिकरण के लिए खासकर पर्यावरण प्रेमी होकर के एक नवाचार भी किया, मेरी अपनी ओर से इसना को बधाई, जिसके माध्यम से बाकी लोग भी प्रेरणा लेंगे। एक तरह से ये हमारा तीर्थ बनेगा जल शुद्धिकरण का। और अब बात करेंगे ग्वालियर और वहां के राजघराने की यानी कि सिंधिया परिवार की, जहां महान आर्यमान सिंधिया ने शहराबंदी की है और सिंधिया राजवंश का परंपरागत ताजिया हर बार की तरह इस बार भी गोरखी में रखा गया। इन दिनों शहर में मुहर्रम के ताजिये रखे गए हैं, जहां पर मुस्लिम समुदाय के लोग हाजिरी लगाकर सदारत कर रहे हैं और इसी मौके पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महार्यमान सिंधिया ने हाजिरी लगाकर सहराबंदी की है और इस मौके पर मुस्लिम धर्मगुरु मौजूद रहे। ये हमारी परिवार की इतिहास है कि हम हर साल ये करते आ रहे हैं और वही इतिहास मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। आज के दिन पे मैं सबको अपना प्यार और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो देखिए, मंदसौर की बात करते हैं, जहां के प्रमुख जल स्रोत और पिकनिक स्पॉट वाले तेलिया तालाब पर भूमाफियाओं की नजर है और इसी के चलते गुरुवार को युवा हिंदू विहिनी और पदाधिकारियों द्वारा कार्यकर्ताओं ने तेलिया तालाब में जल सत्याग्रह किया। बताया कि शहर के भूमाफियाओं द्वारा तेलिया तालाब में
बसडूब क्षेत्र में रहवासी कॉलोनी बनाई जा रही है, जो कि भविष्य में तेलिया तालाब और मंदसौर शहर के लिए हानिकारक है। और युवा हिंदू विहीन के प्रदेश प्रभारी चैतन्य सिंह राजपूत ने बताया कि सर्वे नंबर 123-124 पर वेदांत गनेड़ी वाल और इनके पार्टनर कॉलोनी काट रहे हैं और ये सर्वे नंबर आज भी डूब क्षेत्र में आता है। यह तालाब जो है लगातार भूमाफियाओं का शिकार होता जा रहा है, यहाँ लगातार कॉलोनियाँ कट रही हैं। अभी भी यहाँ पर जो सर्वे नंबर डूब क्षेत्र में दर्ज है, नया मास्टर प्लान का हवाला देकर, जबकि नया मास्टर प्लान लागू नहीं हुआ है, उसके पहले ही जो डूब क्षेत्र में सर्वे नंबर आ रहे हैं उनमें कॉलोनी काटने की अनुमति TNC द्वारा दी जा रही है। सर्वे नंबर 123 और 124 पर जो कॉलोनी कट रही है उसमें जो भराव किया जा रहा है, खनिज विभाग ने कितनी रॉयल्टी वसूली इसका कोई हिसाब किताब नहीं है, जबकि कम से कम 2-3 करोड़ रुपए की पेनल्टी वेदांत गनेड़ीवार और उनके पार्टनरों पे होना चाहिए। तो देखिए, ग्वालियर शादी समारोह में पहुंचे डेप्यूटी CM जगदीश देवड़ा ने यूनिवर्सिटी में ड्रेस कोड लागू करने के सवाल पर कहा कि जब से BJP ने मध्य प्रदेश की 29 सीटें जीती हैं तब से कांग्रेस बौखला गई है, सरकार उनकी गई है और कांग्रेस मुक्त मध्य प्रदेश हुआ है, इसलिए वो बौखलाहट में बात कर रहे हैं। कांग्रेस विचलित हो रही है, मध्य प्रदेश की 29 सीट भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीती तब से वो बहुत विचलित है, सरकार उनकी गई है और कांग्रेस मुक्त मध्य प्रदेश हुआ है, इसलिए वो विचलित होकर के बात कर रहे हैं। और चलिए अब बात करेंगे मोहन सरकार की, जो कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारी में जुटी हुई है। ये समिट साल 2025 में होगी और जिसके लिए प्रदेश के मुखिया CM डॉक्टर मोहन यादव 13 जुलाई को मुंबई में उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे और साथ ही वे मध्य प्रदेश के उद्योगपतियों से चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के निवेशकों के बीच मुंबई में ये बैठक होगी। आपने सड़कों पर आदमियों को, महिलाओं को तो हमेशा किसी आंदोलन का हिस्सा बनते या फिर विरोध प्रदर्शन करते देखा ही होगा, लेकिन आज एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसमें स्कूल के बच्चों ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। ऐसी तस्वीर अमूमन देखने को नहीं मिलती है। ये सभी बच्चे सड़क ना होने से नाराज है, इन्हें स्कूल पहुंचने के लिए बेहद कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसको लेकर ये आंदोलित हैं, क्योंकि स्कूल तक पहुंचने के लिए सड़क ही नहीं है और सबसे खास बात यह है कि ये सड़क गांव की मुख्य सड़क है। बच्चों को स्कूल पहुंचने के लिए डेली कीचड़ में दलदल को पार करना पड़ता है और फिर कड़ी मशक्कत के बाद ये बच्चे स्कूल पहुंच पाते हैं। अपनी इसी समस्या को लेकर बच्चे डिंडौरी के समनापुर मार्ग पर विरोध कर रहे हैं, जिसके चलते आवागमन भी बाधित हो चुका है और इस बात की जानकारी जैसे ही पुलिस बल को लगी वो भी मौके पर पहुंच गया, मौके के लिए रवाना हो गया। बता दें कि पूरा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के धनुआ सागर का बताया जा रहा है। डिंडौरी जिले के जल संरक्षण के लिए किए जा रहे निर्माण कार्यों में भी अब भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगे हैं। आप सोच रहे होंगे हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो आपको बता दें कि लाखों रुपए खर्च करने के बाद बनाए गए पार्कुलिन टैंक पहली बारिश को नहीं झेल पाया और टूट गया। वहीं स्टॉप डैम की हालत भी बद से बदतर हो चली है। आदिवासी बहुल डिंडौरी जिले में जल संरक्षण के नाम पर भ्रष्टाचार की वानगी पेश करती इस रिपोर्ट को देख लीजिए। मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल्य डिंडोरी जिले में जल संरक्षण के नाम पर रोजगार गारंटी योजना के तहत निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। यहां के पंडरिया गांव में करीब 23 लाख रुपए की लागत से निर्माण अधीन पर्कुलेशन टैंक के बेस्ट वेयर का हिस्सा पहली ही बारिश में फूट गया, जिससे टैंक में भरा हुआ पानी और मलबा किसानों के खेतों में भर गया। स्थानीय लोग पर्कुलेशन टैंक के निर्माण के शुरुआती दौर से ही इसमें भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। स्टाफ डैम है, पंचायत द्वारा बनाया जा रहा है, अभी तो ऐसे ही अधूरा है सर, कोई सही नहीं बन पाया है, इसकी मजबूती अच्छे से नहीं बन रहा है, मजबूती से जो बनना था। भ्रष्टाचार तो वही है सर, अब सरपंच ध्यान नहीं देते, सचिव ध्यान नहीं देते।
जल संरक्षण के लिए जाम पानी में रोजगार गारंटी योजना से करीब 15 लाख रुपए की लागत से स्टॉप डैम का निर्माण कराया जा रहा है। निर्माणाधीन स्टॉप डैम पहली बारिश में ही क्षतिग्रस्त हो गया। डैम के कंक्रीट हाथ लगाने से ही उखड़ने लगे हैं। स्टॉप डैम के निर्माण में गिट्टी की जगह पर आसपास बिखरे हुए बोल्डर को भरकर सीमेंट का लेप चढ़ा दिया गया था, लेकिन बारिश ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता की पोल खोल कर रख दी है। सरकारी निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार का पता लगने के बाद रोजगार गारंटी योजना के प्रोजेक्ट मैनेजर पंकज परिहार ने जांच का हवाला देते हुए इस बात को स्वीकार किया कि निर्माण कार्यों में प्रॉपर तरीके से मॉनिटरिंग नहीं की गई, जिसके चलते ऐसी स्थिति बनी है। जो काम का स्तर था वो निर्धारित मापदंड अनुसार नहीं दिख रहा है, इसके भी हम जांच कराएंगे, उसके बाद में प्रतिवेदन अनुसार कार्रवाई करेंगे। अब ये तो हमारे वरिष्ठ अधिकारियों को इस विषय पे निर्णय लेना चाहिए, और थोड़े से मॉनिटरिंग का अभाव, ऐसा मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मॉनिटरिंग का थोड़ा सा अभाव है। ग्रामीणों ने पहले भी इन निर्माण कार्यों में गड़बड़ी को लेकर लोकपाल कार्यालय में शिकायत की थी, पर हुआ वही जो होता आया है। आवेदन निवेदन को अधिकारियों ने नजरअंदाज कर दिया और सिस्टम में नीचे के कर्मचारी धड़ल्ले से भ्रष्टाचार करते रहे, पर सवाल आज भी वही है कि आखिर कब रुकेगा ये भ्रष्टाचार, क्योंकि जिम्मेदार लापरवाही कर मोटी मलाई लूटते रहते हैं और खामियाजा मेहनत कश किसानों को उठाना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी के कार्यक्रम के बारे में बताया। 10 जुलाई से 29 सितंबर तक कार्यक्रम तय किया गया। भाजपा 15 से 20 जुलाई तक सभी बूथ और मंडल स्तर तक कार्य समिति आयोजित करेगी। 15 अगस्त को लोगों के साथ मिलकर प्रभात फेरी बूथ और मंडल स्तर पर निकाला जाएगा। 17 सितंबर से सभी मोर्चा प्रकोष्ठ की कार्य योजना बनाकर सेवा पखवाड़ा मनाया जाएगा। 29 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम सुनने का कार्यक्रम होगा। निगम मंडल और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कहा कि कौन सरकार का अंग बनेगा, कौन संगठन में जाएगा, किसे क्या जिम्मेदारी मिलेगी, ये सभी मुख्यमंत्री और पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करता है। नगरीय निकाय चुनाव प्रत्येक होगा और अप्रत्यक्ष रूप से होगा, ये इस बारे में भी बात की। और इस पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, जनता पहले महापौर चुनती थी लेकिन कांग्रेस ने इसे बदला, इस बार क्या होगा ये भी जल्द तय होगा। एमसीबी में जिला खनिज विभाग के द्वारा ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी। अवैध रेत गिट्टी परिवहन करते हुए वाहनों पर कार्रवाई की गई। वहीं हाईवा गाड़ी से अवैध तरीके से गिट्टी परिवहन करते वाहन पर कार्रवाई हुई है। एमसीबी जिला कलेक्टर ने के निर्देशों का पालन करते हुए खनिज विभाग ने कार्रवाई की है। खनिज अधिनियम के तहत वाहनों पर कार्रवाई की जा रही है। सड़कों पर आवारा मवेशियों के कब्जे से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पूरे प्रदेश के साथ ये समस्या एमसीबी जिले के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। एमसीबी जिले में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के साथ नेशनल हाईवे तक सभी सड़कों पर मवेशियों का जमावड़ा लगा रहता है, और जिससे आए दिन सड़क दुर्घटना में राहगीरों को और राहगीरों की मौत हो रही है, साथ ही मवेशी भी घायल हो रहे हैं। कई बार तो मवेशियों के आपस की लड़ाई में राहगीर घायल हो जाते हैं, मगर इस समस्या का फिलहाल कोई समाधान नहीं निकल पाया है। से भी बहुत सी प्रकार की दिक्कतें हैं। रोड में अचानक से जानवर दौड़ जाना, और पूरा रोड में जानवर बैठे रहते हैं रात में गाय वाय, और इसमें शासन प्रशासन की भी लापरवाही है। बड़ा परेशानी होता है, अचानक से दौड़ जाते हैं, हटते नहीं हैं, हार्न मारने से भी नहीं हटते हैं। एक तो दो तो समझ में आता है, बहुत से जानवर, बहुत से गैया बैठ जाते हैं। मैं तो जाने कोनो भी मौसम में अपना जानवर जो भी जितनी भी गाँव बस्ती में सब तो रोड पर रहते हैं सर। अब दिक्कत परेशानियत होती है सर इसमें, काहे कि अपना पब्लिक भी अपना जानवर नहीं संभाल पाते हैं। जांजगीर चांपा में तालाब मगरमच्छ मिलने से गांव में हड़कंप मच गया। कलतरा क्षेत्र के कोटमी सोनार गांव में दर्रा तालाब में 6 फट का मगरमच्छ मिला है, जिसे वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू किया। रेस्क्यू किए गए मगरमच्छ को क्रोकोडाइल पार्क में शिफ्ट किया गया, और कोटी सोनार गांव में आए दिन गांव की गली और तालाब में मगरमच्छ मिलते रहते हैं। बता दें कि क्रोकोडाइल पार्क में 300 से ज्यादा मगरमच्छ हैं, और देश दुनिया के पर्यटक यहां पर मगरमच्छ को देखने के लिए पहुंचते हैं।
वहीं मुंगेली जिले में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया, जहां पर अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत से इस सड़क में जमकर गड़बड़ी कर दी गई। हालत यह है कि बनने में 15 दिन बाद ही सड़क उखड़ने लगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत मुंगेली पंडरिया मुख्य मार्ग से गोपातपुर तक ये सड़क बनाई गई थी। सरकारी कागजों में इससे करीब 1.5 किलोमीटर की सड़क जुलाई 2023 में शुरू की गई थी और अप्रैल 2024 में बनकर तैयार हो गई थी, लेकिन ग्रामीणों की माने तो सड़क 15 से 20 दिन पहले ही बनाई गई है और इसमें जमकर धांधली भी की गई है, जिसकी वजह से सड़क जर्जर हो गई है। कार्य अभी प्रगतिरत है, कार्य पूरा नहीं हुआ है और न ही किसी प्रकार से उसमें भुगतान किया गया है। यदि कार्य में गुणवत्ता में कमी होगी तो उसका परीक्षण कराया जाएगा, तत्पश्चात फिर कार्रवाई किया जाएगा। हो सकता है सड़कों में भारी वाहनों का आवागमन हुआ होगा, या है सामान्यतः सिंगल लेन रहने से ग्रामीण सड़कों में परेशानी आता है कि काम चलते रहता है, उसमें वाहनों का आना जाना लगा रहता है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए आप बने रहे विस्तार न्यूज के साथ। नमस्कार।